Hey, what's up, everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग क्लास में बच्चों, आज हम सिस्टम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6। दिस इज द लास्ट ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम। आज हम चैप्टर 6 में स्टैंडर्ड टाइम पर। चैप्टर में हमारा प्लैनेट का अर्थ है, तो हम अर्थ जो प्लैनेट है उसमें किसी प्लेस को कैसे लोकेट कर सकते हैं, तो उसका यही एक तरीका था जो हमने चैप्टर को पढ़ाता है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के अक्षांश और प्रशांत रेखाओं के जरिए हम क्या करते हैं, किसी प्लेस को क्या होती है डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टाइम। इन द 19th सेंचुरी पीपल यूज टू आर्चेस डियर वॉचेस वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। यानी 19वीं शताब्दी में लोग एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते समय अपनी घड़ियों को समायोजित करते थे। विथ द इन्वेंशन ऑफ द फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इट बिकम डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कीप ऑन एडजस्टिंग देयर वॉचेस, सो इट वॉज देन डिसाइडेड टू यूज स्टैंडर्ड टाइम विथ इन अ कंट्री और विथिन लार्जर एरिया ऑफ अ कंट्री। परिवहन के तेज साधनों के आविष्कार के साथ लोगों के लिए अपनी घड़ियों के समायोजित करना मुश्किल हो गया, जिसने किसी देश के भीतर या किसी देश के बड़े क्षेत्र में मानक समय का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। नाउ अ कंट्री फॉलो अ सिंगल यूनिफॉर्म टाइम विच इज अ जनरली द लोकल टाइम ऑफ द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू इट्स सेंटर। अब एक देश एकल समय का अनुसरण है जो आमतौर पर देशांतर के स्थानीय समय होता है जो उसके केंद्र से गुजरता है। दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द एंटायर कंट्री, यह पूरे देश के लिए एक मानक समय है। इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड द लोकल टाइम ऑफ 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत ने भारतीय मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर के स्थानीय समय को पुनः प्राप्त किया है। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम GMT इज द टाइम एट द प्राइम मेरिडियन विच यूज एट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम प्राइम मेरिडियन का समय है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के रूप में उपयोग किया गया है। तो ग्रीनविच टाइम मीन टाइम है GMT जो है वो क्या है, प्राइम मेरिडियन है, इसे ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कहा गया। Therefore, the prime meridian is also called the Greenwich meridian. यानी कि इसके अलावा प्राइम मेरिडियन को भी क्या कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT। तो आप पता है बच्चों को जो हमने जीरो कितनी प्राइम मेरिडियन बताया था वही ग्रीनविच, इसे हम GMT भी कहते हैं जो लंदन से गुजरता है, और यही से क्या होता है टाइम का कैलकुलेशन होता है। तो वहाँ से हमारा जो है भारत का जो स्टैंडर्ड IST टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम में वो 5.5 घंटा क्या है आपका आगे है। बच्चों जो ये रेखा आपको दिख रही है लोकल टाइम एट द 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड हैज बीन द रिकॉग्नाइज्ड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यही क्या भारत का जो स्टैंडर्ड इंडियन टाइम है, और ये जो है 0 डिग्री प्राइम इंडियन GMT रेखा जो है वहाँ से ये टाइम जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, और उससे इसे यहाँ क्या होता है टाइम का कैलकुलेशन कहते हैं। तो ये GMT 5.5 घंटा आगे है आपका। आपने मोबाइल में देखा होगा जब कभी टाइम चेक करते हुए तो उसमें लिखा रहता प्लस 5:30 मिनट्स आज, तो GMT 5.5 घंटा आगे। तो यही जो ये रेखा है ये इलाहाबाद के मिर्जापुर शहर से गुजरती है, और ये जो कटनी है जो दिशांतरी रेखा निकाल है वो 68 डिग्री 10 मिनट से लेकर 97.5 मिनट तक है। तो इन्हीं जो विस्तार है इन्हीं में से क्या है एक मानक मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम भी चूज किया गया 82.5 डिग्री, ठीक है भारत में। तो हर कंट्री जो अपने अपने हिसाब से क्या है एक टाइम चूज किया गया ताकि प्रॉब्लम ना आए किसी चीज़ की टाइम के लिए। मान लीजिए किसी की फ्लाइट अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे की है और उसे गुजरात जाना है, गुजरात जाता है तो गुजरात वाले भी 6 मानते हैं, तो इस तरीके से ट्रेवलिंग जो करेंगे उसे प्रॉब्लम आ जाएगी। किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया है कि जो है टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है, जैसे रेलवे मान लीजिए भारत से तो बहुत से लोग गुजरते हैं, तो जो है भारत से जो लोग गुजरते हैं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री से 25 मिनट की जो देशांतरी रेखा है वो 30 डिग्री तक आते हैं।
30 डिग्री मतलब 2 घंटे का समय होता है, 2 घंटे का समय होता है। तो इस तरीके से जो समय का आता है तो भारत जो स्टैंडर्ड टाइम है, इसलिए कि स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है तो 82.5 डिग्री तो 5.5 घंटा आता है। ठीक है बच्चों, तो यहीं से जैसे रेलवे का चार्ट है और जो फ्लाइट का है, इसलिए क्या है क्योंकि स्टैंडर्ड मानक टाइम है, तो भारत का जो स्टैंडर्ड मानक टाइम है वो है आपका 82.5 डिग्री, क्योंकि इसे ही क्या है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आगे जो चैप्टर है खत्म हो गया है, और आपको एक चीज जो है कि जो लिस्ट नंबर है वो आप चैप्टर का जो है सारांश मेन इम्पॉर्टेंट बिंदु दिया गया है, देखिए तो इसको आप जरूर से पढ़िएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसमें चीजें चैप्टर की आपको इम्पोर्टेंट है और चैप्टर की ये भी बहुत इम्पोर्टेंट।